नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। सरकार के खिलाफ दिन प्रतिदिन कर्मी व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में सिवान में बालू व्यवसायियों ने सरकार द्वारा बालू खनन में नया नियमावली लागू करने के विरोध में सड़क पर उतर राजेंद्र चौक से होते हुए जेपी चौक तक पैदल विरोध मार्च किया। बालू व्यवसायियों की माने तो सरकार द्वारा जो बालू खनन में नियम लागू किया गया है उसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि यह कोई शराब का व्यवसाय नहीं है बल्कि बालू का व्यवसाय है और इससे सभी व्यवसाय वर्ग के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार को व्यवसायियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार अपने द्वारा लागू किया गया खनन कानून को वापस नहीं लेती है तो सभी व्यवसाय वर्ग के लोग एक साथ मिलकर बिहार बंद करने का काम करेंगे, जरूरत पड़ने पर आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। गौरतलब है कि सरकार द्वारा नए नए नियम लगाने पर कहीं अस्पताल कर्मियों धरना पर बैठे हैं तो कहीं मुखिया संघ विरोध कर रहे हैं तो कहीं शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। सरकार से हम लोग मांग ये करते हैं कि नया जो खनन कानून है उसको वापस ले। वन देश वन टैक्स का जो रूल अभी बीजेपी गवर्नमेंट लागू कर रही है कि एक देश एक कानून, और एक देश एक कानून के तहत बालू को भी शामिल किया जाए जीएसटी के शामिल करके, और तब इसको इजीली मुहैया कराया जाए जिससे जितने भी मकान बनाने वाले लोग हैं उनको भी सहूलियत हो। जो खुदरा व्यापारी है अगर मांग पूरी हम लोगों की नहीं होती है तो ये व्यवसायिक संघ सिवान ही नहीं पूरे बिहार के व्यवसायिक संघ एक साथ पूरे बिहार को बंद कराएंगे।